बॉलीवुड बॉयकॉट की वजह से मिली मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पीटी, जिसने 3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एक मलयालम मूवी की रीमेक मूवी है, लेकिन दृश्य मूवी भी रीमेक थी, फिर भी उसने एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब मिली मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जिसमें श्रीदेवी जी की बेटी जानवी कपूर और विकी कौशल के भाई सनी कौशल है। मेरा इस मूवी को देखने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक रीमेक मूवी है, तो मैंने सोचा कि इस मूवी को देखना तो बनता ही है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी एकदम ही बेस्ट होगी तभी इसका रीमेक वर्जन आ रहा है। और वैसे तो मैं ओरिजिनल मूवी देखता, लेकिन वो मूवी मलयालम में हिंदी डब नहीं है, जिस वजह से मुझे इस रीमेक को देखना पड़ा। और डाउट कि ये मूवी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पर ये मूवी बहुत ही ज्यादा खींची हुई फील होती है। और ये एक सर्वाइवल मूवी है, और ज्यादातर हम ऐसा ही देखते हैं कि जो सर्वाइवल मूवी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की होती है, वहीं ये मूवी 2 घंटे और 7 मिनट की है। मैं इस मूवी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहूंगा कि इस मूवी में एक स्टार किड है, हम उस बात को साइड में रख देते हैं, और इस वजह से मैं इस मूवी की बुराई भी नहीं करना चाहूंगा। और हम सीधा इस मूवी के बारे में बात करेंगे, ये नहीं कि इस मूवी में स्टार किड है या फिर एक्टिंग कैसी है, जानवी कपूर के बारे में दूसरे क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में नहीं, सिर्फ हम मूवी की बात करेंगे। और हाँ, उनका काम इस मूवी में अच्छा था। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। मिली अपने पापा के साथ रहती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है समीर, और वो एक मॉल में काम करती है। अब होता ये कि मिली जिस मॉल में काम कर रही थी उसके फ्रीजर में करीब वो 5 घंटे के आसपास के लिए लॉक हो जाती है। अब वो वहाँ से जिंदा वापस से निकल पाती है, वो सर्वाइव कर पाती है या नहीं, इसके लिए तो आपको इस मिली मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी को देखने से पहले मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी आईडिया नहीं था कि मूवी में क्या होने वाला है, बस इतना ही पता था कि ये एक रीमेक मूवी है। और ये मूवी उन्हीं मूवीज में से ये कि जिसे देखते टाइम हम यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं वहां पर होता तो मैं क्या करता। सर्वाइवल मूवी में हमें हमेशा एक सेम चीज देखने मिलती है कि जब हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तभी एंड मौके पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। और इस मूवी में जो अलार्म वाला जोक था वो मुझे एक बेस्ट जोक लगा, उसे सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई। और इस मूवी में मिली यानी कि जो जानवी कपूर है वो 5 घंटे वहां पर फ्रीजर में बिता दिया, और जो आइडियाज लगाती है, तो वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान वहां पर होता तो एक साथ ये सारे आइडिया लगा सकता था, एक ही साथ उसको ये सारे आइडियाज याद आ जाते, जैसे कि उसके 5 घंटे में वैसे एक पहले याद आया फिर दूसरा है, इस तरीके से नहीं। लेकिन हम भी समझ सकते हैं कि उन्हें जो मूवी है वो 2 घंटे की बनानी। मैं तो इस मिली मूवी को लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इस मूवी को जरूर से देखना, आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, और आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।